हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज जो मैं आपके लिए वीडियो कंटेंट लाया वो एक ऐसा स्टॉक है जो रियलिटी सेक्टर को बिलोंग करता है। फ्राइडे के दिन पे मैंने इस स्टॉक सजेस्ट किया था और फ्राइडे शाम को इसके रिजल्ट्स आए हैं और स्टॉक का नाम है ओबेरॉय रियलिटी। बेहतरीन रिजल्ट्स आए हैं, एज़ पर एक्सपेक्टेशन रिजल्ट आए हैं। इनफैक्ट कह सकते हैं एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा रिजल्ट अच्छे आए हैं ओबेरॉय रियलिटी के। और जो ऑर्डर बुक कंपनी के पास है, जो प्रोजेक्ट्स है कंपनी के पास, काफ़ी बढ़िया है प्रोजेक्ट्स कंपनी के पास, और जिसके चलते आने वाले 5 सालों में ओबेरॉय रियलिटी एक बेहतरीन रियलिटी पिक बन के यहाँ पर उभरेगा। और उसी वजह से फिर से आज एक बार में ओबेरॉय रियलिटी के रिजल्ट्स हम इस वीडियो में देखेंगे, साथ ही में फंडामेंटल टेक्निकल पार्ट भी देखेंगे। तो वीडियो को पूरा देखेगा, एंड तक देखेगा, ताकि एग्जैक्टली आपको पता चले क्यों मैं ओबेरॉय रियलिटी को 3 दिनों के डिस्टेंस में फिर से दूसरी बार सजेस्ट कर रहा हूँ। ओवरऑल अगर हम देखें तो रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आए हैं, एज़ पर एस्टिमेट्स आए हैं। इनफैक्ट कह सकते हैं एस्टिमेट से ज़्यादा आए हैं यहाँ पे, और जिसके चलते मैं कह सकता हूँ रियलिटी सेक्टर में अब गोदरेज प्रॉपर्टीज़ के बाद अगर जो इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स के रेडार पे जो स्टॉक होगा वो होगा ओबेरॉय रियलिटी। आज हमने स्टॉक में गैप अप ओपनिंग देखा था, फ्राइडे का क्लोजिंग करीबन 849 के आसपास था। आज हमने 870 का ओपनिंग देखा और उसके बाद 885 का इसने स्पॉट में हाई किया, फिर अराउंड 850 तक आया और 865 के आसपास इसने फिर से एक अच्छी रैली की शुरुआत की थी। ओवरऑल स्टॉक बढ़िया है, रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आए हैं, और जैसे मैंने कहा वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आज मार्केट का एक ओवरव्यू ले लेते हैं। सबसे पहले वीडियो की शुरुआत में सबसे पहले देखिए तो आज हमने गैप अप ओपनिंग देखा तो एक्सपेक्टेड था। मैंने फ्राइडे के वीडियो में ही कहा था, सैटरडे के Q&A सेशन में भी कहा था कि मंडे हम गैप अप ओपनिंग देख सकते हैं, और वही हुआ। आज हमने गैप अप ओपनिंग देखा करीबन 16,180 के लेवल्स पे, और उसी लेवल्स के आसपास हम 12 बजे तक रहे। हमने 16,150 का लेवल सिर्फ एक बार टच किया ओपनिंग में, उसके बाद हमने टच नहीं किया वो लेवल, उसके ऊपर ही हम ट्रेड करते रहे कॉन्स्टेंटली। और उसके बाद एक शॉर्ट कवरिंग आई 16,220 तक। 16,220 के लेवल पे हमने करीबन 2 बजे तक कंसोलिडेट किया, और 2 बजे के बाद 16,220 से लेके हमने 16,290 का लेवल स्पॉट निफ्टी में टच किया। और बैंक निफ्टी की बात करें तो बेहतरीन तेज़ी बैंक निफ्टी में बनाए। बैंक निफ्टी अगर आज हम देखें तो बॉटम था करीबन 34,900 का, वहाँ से बैंक निफ्टी ने 35,500 के लेवल तक स्पॉट में दिखाए हैं, बेहतरीन लेवल्स दिखाए हैं बैंक निफ्टी ने। और निफ्टी की बात करें तो 16,280 के ऊपर निफ्टी ने आज क्लोज, 16,280 के आसपास निफ्टी ने क्लोजिंग दिया है। तो ऑलमोस्ट कह सकते हैं अच्छा खासा लेवल्स, जो जहाँ जिस लेवल से हम यहाँ पे कह सकते हैं 15,800 के लेवल्स तक फिर से आए थे, उसी लेवल्स पे हमने क्लोजिंग दिया है और इनफैक्ट उसके ऊपर दिया है। अगर उस समय की बात करें तो निफ्टी का क्लोजिंग 16,220 का था, और फिर दूसरे दिन हमने गैप डाउन ओपनिंग देखा था और निफ्टी फिर 15,700 के लेवल तक फिर से स्लाइड डाउन हुई थी। लेकिन आज हमने 16,220 के ऊपर क्लोजिंग दिया है, बैंक निफ्टी ने भी अच्छा खासा क्लोजिंग दिया है, जिसके चलते मैं कहूँगा आने वाले समय में बैंक निफ्टी और साथ ही में निफ्टी अब यहाँ पर स्टेट अवे 16,500 और साथ ही में 36,000 के लेवल्स के बैंक निफ्टी के लेवल्स इस हफ्ते या फिर आने वाले हफ्ते में हम देख सकते हैं। इस हफ्ते की जो एक्सपायरी है उस एक्सपायरी में मैं रेंज पकड़ के चल रहा हूँ यहाँ पे 16,150 नीचे का लेवल और ऊपर का लेवल 16,300। तो इस वीकली जो एक्सपायरी है ऑप्शंस की, वहाँ पे हमें ये रेंज में ध्यान रखना है 16,150 बॉटम और ऊपर की तरफ 16,300 का हमें रेजिस्टेंस या फिर 16,350 का रेजिस्टेंस हमें देखने मिल सकता है। ओवरऑल कल के दिन पे भी हम गैप अप ओपनिंग ही देखेंगे, क्योंकि डाउ फ्यूचर्स आज ऊपर है, अभी भी नैसडेक फ्यूचर्स ऊपर है, एशियन मार्केट्स ऊपर है, यूरोपियन मार्केट्स ऊपर है, तो कल भी हम गैप अप ओपनिंग देख सकते हैं और लेवल होगा करीबन 16,350 के आसपास का स्पॉट निफ्टी में। अगर वो लेवल भी सस्टेन हो गया तो 16,400 के लेवल्स हमें आराम से देखने कल के दिन ही मिल सकते हैं। निफ्टी बढ़िया लेवल पर क्लोजिंग दिया है, बैंक निफ्टी बढ़िया लेवल पे क्लोजिंग दिया है। पॉजिटिव रहिए, स्टॉक स्पेसिफिक रहिए और ऐसे स्टॉक्स पे फोकस कीजिए जिनके Q1 के नंबर्स अच्छे आने वाले हैं। और मैंने HAL की बात की थी, मैंने BDL की बात की थी इसके पहले, मैंने साथ ही में DLF की बात की थी जिनके रिजल्ट्स अच्छे आने वाले हैं। मैंने ओबेरॉय रियलिटी के बारे में भी कहा था फ्राइडे के वीडियो में कि रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, और वही हुआ, रिजल्ट्स बेहतरीन आए हैं, एस्टिमेट्स के हिसाब से आए, इनफैक्ट एस्टिमेट्स से ज़्यादा हैं। तो इस वीडियो में सबसे पहले रिजल्ट्स देखेंगे, फंडामेंटल टेक्निकल पार्ट भी देखेंगे स्टॉक का। वीडियो की शुरुआत में 2 सर्विसेज का ओवरव्यू देना चाहूंगा जो हम प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहले एवरी सैटरडे दोपहर को 3 बजे YouTube लाइव कंडक्ट होता है,
Q&A सेशन कंडक्ट होता है ये, आपके क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, उसी समय उसके आंसर्स लीजिए। दूसरा तरीका है एडवाइजरी प्रोडक्ट में ज्वाइंट हो जाइए, 30 डेज 90 डेज दो पैकेजेस अवेलेबल हैं। दोनों ही पैकेजेस में पूरे महीने में 15 से 20 कॉल ऐसे दिए जाएंगे जो आप इंट्राडे बेस, डिलीवरी बेस, साथ ही में FNO बेस काम कर पाएंगे। अगर आप इंट्राडे बेसिस काम करना चाह रहे हैं तो स्पेसिफिकली इक्विटी बेस, डेरिवेटिव बेस या फिर FNO बेस, तीनों तरीके से आपको कॉल्स प्रोवाइड किए जाएंगे। और अगर आप एक प्योर इन्वेस्टर हैं तो इन्वेस्टर बेस, इन्वेस्टमेंट बेसिस के आपको कॉल्स प्रोवाइड किए जाएंगे। बैंक निफ्टी, निफ्टी के ऑप्शंस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपके एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो को मैनेज किया जाएगा और साथ ही में मार्केट आवर्स में आप हमारे साथ फ़ोन के थ्रू कॉन्टैक्ट में रह सकते हैं। तो जितनी जल्दी हो सके एडवाइजरी स्कीम में अलॉटमेंट लीजिए, साथ ही में यूट्यूब लाइव में जुड़िए, डबल बेनिफिट के साथ अपने पोर्टफोलियो को और भी बेहतरीन बनाइए। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले रिजल्ट्स कैसे आए हैं यहाँ पे। स्पेसिफिकली अगर हम देखें तो जो एक्सपेक्टेशन थे ओबेरॉय रियलिटी के, उसी लेवल्स के रिजल्ट्स आए हैं, उसी कह सकते हैं उससे ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। तो नंबर्स क्या है रिजल्ट्स के वो देखेंगे, साथ ही में हम देखेंगे यहाँ पे स्पेसिफिकली अगर हम ओबेरॉय रियलिटी की बात करें तो जिस हिसाब से इन्होंने पिछले 2 सालों में प्रोग्रेस किया है, जिस हिसाब से पोस्ट पैंडेमिक इनका कह सकते हैं रेवेन्यू बढ़ा है, नेट प्रॉफिट बढ़ा है, सेल्स बढ़ा है या फिर हम कह सकते हैं EPS बढ़ा है, वो पोस्ट पैंडेमिक किसी भी रियलिटी स्टॉक में बेहतरीन प्रोग्रेस हुआ है यहाँ पे। इनफैक्ट गोदरेज प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो उनके रिजल्ट्स भी हर बार अच्छे हैं, लेकिन स्टॉक डिटोरिएट हुआ है 1800 के लेवल से, फिर करीबन 1250 के लेवल तक गोदरेज प्रॉपर्टीज डिटोरिएट हुआ था। लेकिन अगर उसके कंपेयर में हम ओबेरॉय रियलिटी की बात करें तो ओबेरॉय रियलिटी पिछले 3 महीने में 650 के लेवल से इस समय 850 के लेवल तक आ चुका है। DLF की भी बात करें तो DLF भी डिटोरिएट हुआ था 450 के लेवल से यहाँ पे करीबन कह सकते 300 के लेवल तक, और 300 से फिर से एक बार अब 350 की यहाँ पे DLF में रैली की शुरुआत हो चुकी है। ओबेरॉय रियलिटी के नंबर्स की बात करें सबसे पहले तो नंबर्स क्या आए हैं, रेवेन्यू अगर हम देखें तो इस बार जो फाइनेंशियल ईयर Q1 में आया है वो है जून में 913 करोड़ का। तो इस बार 913 करोड़ का यहाँ पर रेवेन्यू आया है, जो पिछले साल अगर हम देखें तो सिर्फ था करीबन यहाँ पे स्पेसिफिकली अगर हम देखें तो 284 करोड़ के आसपास। तो पिछले साल जून में कंपनी का रेवेन्यू था 284 करोड़, इस बार 913 करोड़ है, यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 221% ज़्यादा है। और अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो इस बार मार्च क्वार्टर में अगर रिजल्ट हम देखें, रेवेन्यू अगर हम देखें तो 823 करोड़ था, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर हम ग्रोथ देखें तो 10.9% है। 913 करोड़ वर्सेस 284 करोड़ ईयर ऑन ईयर बेसिस, 913 करोड़ वर्सेस 823 करोड़ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस 10.9% बढ़ा है, ईयर ऑन ईयर बेसिस 221% यहाँ पे रेवेन्यू बढ़ा है। ईबीटा की बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर हम देखें तो 39.9% ईबीटा बढ़ा है, ईयर ऑन ईयर अगर हम देखें तो 294% बढ़ा है। क्वार्टर वन फाइनेंशियल 2022 की बात करें, यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात करें तो ईबीटा करीबन 125 करोड़ था, इस बार आया है 492 करोड़। क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो मार्च क्वार्टर में 2022 में 351 करोड़ का यहाँ पे ईबीटा था, इस बार है 492 करोड़ का ईबीटा। नेट प्रॉफिट की बात करें तो पिछले साल जून क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट था 80 करोड़ के आसपास, इस बार नेट प्रॉफिट है 403 करोड़ के आसपास। तो ईयर ऑन ईयर 400% ज़्यादा बढ़ा है प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। और अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर गिने तो इस बार मार्च में कंपनी का नेट प्रॉफिट था 232 करोड़, इस बार है 403 करोड़, यानी 73% ज़्यादा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे रिजल्ट्स बढ़िया है, ईयर ऑन ईयर रिजल्ट्स बढ़िया है, रेवेन्यू बढ़ा है, नेट ईबीटा बढ़ा है, नेट प्रॉफिट बढ़ा है। ईपीएस की बात करें तो ईयर ऑन ईयर था करीबन स्पेसिफिकली पिछले साल जून में 2.2 ईपीएस था, इस बार है 11.1, यानी 400% यहाँ पे ईपीएस बढ़ा है। और अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर करें तो 6.4 था ईपीएस, इस बार है यहाँ पे 11.1, 73% यहाँ पे भी ग्रोथ देखा गया है। तो ईपीएस की बात करें, नेट प्रॉफिट की बात करें, ईबीटा की बात करें या रेवेन्यू की बात करें, क्वार्टर ऑन क्वार्टर सभी यहाँ सभी तरीके से ग्रोथ है, ईयर ऑन ईयर देखें तो यहाँ पे भी सभी तरीके से ग्रोथ है। तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स है, और ऐसे रिजल्ट्स रेयरली आपको देखने मिलते हैं, वेदर इट इज़ रियलिटी सेक्टर और एनी अदर सेक्टर, जहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर साथ ही में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी सब कुछ बढ़ा, ग्रोथ मिला है। तो स्पेसिफिकली अगर हम देखें तो जो ऑपरेटिंग मार्जिन है वो भी इम्प्रूव हुए हैं। पिछले साल अगर हम देखें तो ऑपरेटिंग मार्जिन 44% था, इस बार ऑपरेटिंग मार्जिन 54% है। पिछले साल नेट प्रॉफिट मार्जिन था 27%, इस बार नेट प्रॉफिट मार्जिन है 43% के आसपास। स्पेसिफिकली ROC देखें तो पिछले साल था 3.62, इस बार है 14.30।
ग्रॉस डेप्ट इक्विटी की बात करें तो पिछले साल 0.17 था, इस बार 0.26 है। करंट रेशियो की बात करें पिछले साल 2.99 था, इस बार 3.38 है। तो बेहतरीन ग्रोथ दिया है ओबेरॉय रियल्टी ने रियल ईयर ऑन ईयर बेसिस, साथ ही में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। ओबेरॉय रियल्टी के स्पेसिफिकली हम फॉरकास्ट की बात करें तो अर्निंग्स ग्रोथ की बात करें तो इस पर्टिकुलर रियल्टी सेक्टर ने 23% का ग्रोथ दिया है, जबकि कंपनी ने 16% का ग्रोथ दिया है। तो ऑलमोस्ट कह सकते हैं इनलाइन या एवरेज ग्रोथ दिया है। मार्केट की बात करें तो 17.5% का ग्रोथ है। एनुअल रेवेन्यू की बात करें पिछले कह सकते हैं आने वाले 5 सालों में कंपनी का रेवेन्यू कैसा होगा, 19.3% रेवेन्यू होगा, तो ये फॉरकास्ट किया गया है। जबकि रियलिटी सेक्टर इंडस्ट्री की बात करें तो 13.1 है और मार्केट की बात करें तो 11.4 है। कंपनी के एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को कंपेयर करें तो शॉर्ट टर्म में कंपनी के एसेट्स है 89.9 बिलियन, इस बार है उसके सामने लाइबिलिटीज़ अगर शॉर्ट टर्म में देखें तो 28.44 बिलियन है। और लॉन्ग टर्म की बात करें तो एसेट्स कंपनी के पास है करीबन 67.81 बिलियन और लाइबिलिटीज़ की बात करें तो 24.3 बिलियन के आसपास यहाँ पे कंपनी के पास लाइबिलिटीज़ है लॉन्ग टर्म के बेसिस पे। तो एसेट्स शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों ज़्यादा है, लाइबिलिटीज शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों ही कम है। स्पेसिफिकली अगर हम देखें पिछले 5 दिनों का चार्ट पैटर्न, बॉटम करीबन 820 के आसपास का था, आज हाई मारा है 885 का। एक महीने का बॉटम 778 का था, हाईएस्ट पॉइंट है करीबन 885 का आज के दिन पे। आज के दिन पे ओपनिंग में अगर देखें 12 बजे के पहले ही 13 लाख का वॉल्यूम हो गया था ट्रेडिंग वॉल्यूम, और पूरे महीने की बात करें तो 8 लाख का ट्रेडिंग वॉल्यूम था जिसमें से 3 लाख की डिलीवरी क्वांटिटी देखी गई है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर्स के पास 67.7% इंटैक्ट है। FIS की बात करें तो 20.26%, पब्लिक होल्डिंग्स 9.09% है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी वेल डाइवर्सिफाइड है। म्यूचुअल फंड डेटा देखिए तो यहाँ पे भी बाइंग किया है, 39 म्यूचुअल फंड कंपनी ने बाई किया है, 11 म्यूचुअल फंड कंपनी ने सेल किया है। डिफरेंस बाइंग साइड में ज़्यादा है और क्वांटिटी है करीबन 22,33,000 शेयर। तो 22,33,000 शेयर्स यहाँ पे बाय हुए इन टर्म्स ऑफ म्यूचुअल फंड डेटा। लेवल्स की बात करें तो RSI इस समय 68 है, MFI 77 है। तो दोनों ही मैं कहूँगा RSI और MFI दोनों ही न्यूट्रल जोन से ऊपर है, लेकिन अब तक ओवरबॉट नहीं हुए हैं। और इस समय इस आफ्टर द रिजल्ट्स ये लग रहा है ये 950-950 के पहले ये स्टॉक रुकेगा नहीं बिफोर शॉर्ट टर्म टारगेट। तो अगर आपका शॉर्ट टर्म व्यू है 925-950 के टारगेट्स के लेके अभी भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर मीडियम टू लॉन्ग टर्म व्यू है तो एटलीस्ट 1100 के लेवल्स को लेके आप आराम से चल सकते हैं। बढ़िया स्टॉक है, रिजल्ट्स काफ़ी बढ़िया आए हैं, फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रांग है और कंपनी के प्रोजेक्ट्स भी काफ़ी अच्छे बड़े बड़े लाइनअप है, जिसके चलते आने वाले 5 सालों में ओबेरॉय रियल्टी एक बेहतरीन रियल्टी स्टॉक आपको बनेगा जो आपको एक अच्छा रिटर्न्स दे सकता है। आपके स्क्रीन पे स्पेसिफिकली मैं कहूँगा अगर आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट करना है, ट्रेनिंग लेना है या फिर ट्रेडिंग करना है, कंसल्टेशन की ज़रूरत है, कोचिंग की ज़रूरत है, तो आप मेरे YouTube पे जाके मेरे कॉन्टैक्ट्स में नंबर्स पे या ईमेल आईडी पे मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और एग्जैक्टली आपके हर एक प्रॉब्लम का उस पर्टिकुलर फ़ोन कॉल में या फिर ईमेल में आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। थैंक यू।